Hello students and welcome back to Bankexamstray.com. My name is Ramandeep Singh, and today we are going to discuss the IBPS RRB scale to GBO exam analysis. We are going to discuss the kind of questions asked in the exam. ke questions and what kind of cut off you can expect, right? So, students' reasoning uh, paper was kind of I would say moderate to difficult, uh, moderate, I would say financial awareness was as expected english was kind of uh, easy computer awareness was uh, easy as compared to previous years computer and english they were relatively easy and it uh, quantitative aptitude was doable it was not difficult okay so overall the difficulty level is kind of i would say easy to moderate that i can tell you सो इन द रीजनिंग अबिलिटी ब्लड रिलेशन के तीन क्वेश्चन से थ्री क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वन क्वेश्चन फ्राम एल्फाबेट टेस्ट फाइव क्वेश्चन फ्राम मशीन इनपुट आउटपुट लाइक फाइव क्वेश्चन फ्राम सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स थ्री पजल्स व देयर राइट फ्लोर बेस्ड मंथ बेस्ड फ्लोर बेस्ड बहुत कॉमन है वैसे पजल्स एवरीबडी हुज़ प्रिपेयरिंग दे शुड डू द फ्लोर बेस्ड एंड द मंथ बेस्ड पजल एंड द ईयर बेस्ड पजल भी थी उस मेक एंड देन मूविंग फॉरवर्ड डेटा सफिशियंसी के चार क्वेश्चन ऑड वन आउट एंड दर मिसलेनियस क्वेश्चन आउट ऑफ फोर्टी इवन इफ यू आर एबल टू स्कोर लाइक एट मार्क्स एट टू टेन मार्क्स तो दैट शुड बी द सेक्शनल कट ऑफ मे बी इवन लेस देन दैट आई वुड से कि आठ जो है आपका सेक्शनल कट ऑफ है इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर इवन सेवन एट मार्क्स देन इट वुड बी डिफिकल्ट एट इज आई वुड सेक्शनल कट ऑफ इतना रहेगा in the quantitative aptitude approximation was there kind of easy it was uh, kind of easy uh, topic uh, wrong uh, number series uh, that was easy quadratic equations right arithmetic डेटा सफिशियंसी डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल पाई चार्ट एंड द कैसलेट टाइप ऑफ क्वेश्चन सो द ओवरऑल द पेपर वॉज नॉट टफ रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था इवन द कॉन्टेटिव एप्टीट्यूड वॉज काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग बट इफ टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एन इशू अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो रहा है आपकी स्पीड अच्छी है देन ईजिली यू कुड स्कोर लाइक यू कैन ईजली स्कोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव इजली हियर सेक्शन कट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन शुड बी अराउंड टेन दस बारह के तकरीबन दस ग्यारह के तकरीबन जाएगी ओके सेक्शनल कट ऑफ इन द इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रियशंस दो रीडिंग कॉम्प्रियशंस पहले आए दैन द कॉलम बेस्ड सनॉनम एंड टॉनम्स से सिंपल एरर डिटेक्शन क्लोज टेस्ट पैरा जम्बल्स इन द मिसलेनियस क्वेश्चन सो इफ योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर ऑलरेडी नाइस अगर आपका इंग्लिश का स्किल लेवल ऑलरेडी अच्छा है अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी रीडिंग स्पीड अच्छी है और आपका मॉक टेस्ट में ऑलरेडी आपका ये फोर्टी में से अगर ट्वेंटी स्कोर आ रहा था पंद्रह स्कोर आ रहा था तो यू विल बी स्कोरिंग द सिमिलर काइंड ऑफ मार्क्स मॉक टेस्ट के लेवल के ही जो है एग्जाम में आया था उससे आई आई वुड से थोड़ा सा इजी ही आया है कट ऑफ अगर आउट ऑफ 40 की मैं बात करूं इफ़ यू आर एबल टू स्कोर आउट ऑफ 40 वैसे तो uh, विटेड हो जाएगा लेकिन आउट ऑफ 40 आई वुड से अगेन लाइक 12 13 का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 40 ठीक है आउट ऑफ 40 आई रिपीट आउट ऑफ 40 इन द फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रधान गवर्नमेंट स्कीम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का वेटेज काफी ज़्यादा था आर बी आई सर्कुलर्स भी आए थे लेकिन उतने नहीं आए पिछले साल ज़्यादा आए थे इस बार थोड़े से कम आए लेकिन आए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुद्रा योजना पी एम ई ड्राइव पी एम जे जे बी वाई चार सौ छत्तीस रुपये का प्रीमियम जो होता है जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्गम स्कीम एन पी एस टूरिज्म ट्रेवल इंडेक्स मानधन योजना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पे कितना एक्सपेंडिचर किया है यूनियन बजट में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए जो पिछले सालों में बजट में से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे लेकिन इस बार देवर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पर्टिकुलर स्कीम पे कितना उठले है तो ये एक बजट के लास्ट पेज में ये होता है एक पेज कितना पैसा कौन सी स्कीम पर लगा है हमने भी जो अनालिस किया था उसमें डाला था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एंड दिस वन इज आल्सो फ्रॉम यूनियन बजट ये स्कीम भी यूनियन बजट uh, में ही इंट्रोड्यूस हुई थी उज अ स्पॉन्सर ऑफ पैरालम्पिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सी आर ए आर मेंटेन दिस इज एन आर बी आई गाइडलाइन जनरल ओके सिल्वर कमेटी उससे ज्यादा क्वेश्चन मुझे उतने मिल नहीं पाए हैं क्योंकि यू नो आई वॉज नॉट यू नो देर एग्जाम से इंटरव्यू में था नहीं आई डिट न पेयर फॉर द एग्जाम इतने मिल पाए हैं इन द फ्यूचर आई विल बी गेटिंग मोर क्वेश्चन एंड इफ़ यू हैव इफ यू रिमेंबर मोर क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल अवेयरनेस देर इज़ अ कामेंट सेक्शन राइट प्लीज़ टेल मी द लिस्ट ऑफ़ फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन आस्ट इन द एग्ज़ाम अगर आपको याद है जितने भी याद हैं जो मैंने इस लिस्ट uh, में नहीं डाले यू कैन टेल मी द लिस्ट ऑफ़ फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन आस्ट इन द एग्ज़ाम दैट वुड हेल्प मी टू मेक बेटर कोर्सेज इन द फ्यूचर और बेटर कोर्सेज हम बना पाएंगे सो इवन फाइनेंशियल अवेयरनेस का इतना समझ के आई कैन टेल यू इवन इसका भी कट ऑफ जो है सात आठ से ऊपर जाने वाला नहीं है राइट right? इससे ऊपर का कट ऑफ नहीं जाएगा राइट सो इफ यू आर एबल टू स्कोर लाइक सिक्सटी फाइव आई वुड से तो इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए राइट सो कंप्यूटर नॉलेज वही सेम शॉर्टकट्स द कंट्रोल प्लस डब्ल्यू पेज ब्रेक का शॉर्टकट कट विंडोज लेटेस्ट वर्जन बायोज कहाँ पर स्टोर होती है राइट मेमरी हर हार की विच इज स्मॉलेस्ट आई पी वी सिक्स लॉन्च डेट दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एम एस वर्ड इन सर्ट टेबल नॉन वॉलिटाइल मेमरी डिफॉल्ट लैंडस्केप में होता है पावर पॉइंट में मॉलवेयर माउस की बोर्ड हार्ड डिस्क पोर्ट का कौन सा होता है साटा होता है कौन सा होता है सो दैट इज द कंप्यूटर नॉलेज ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द एनालिस फॉर टुडे आई वुड से अगर आपके 65 फाइव टू सेवेंटी के बीच में अगर स्कोर आता है आई वुड से आपको इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए राइट इफ़ यू आर एबल टू स्कोर मोर देन दैट दैट्स ग्रेट आपको फाइनल सेलेक्शन में इसका ज़रूर हेल्प मिलेगा दैट वुल बी वेरी हेल्पफुल दैट एक्चुअली डिपेंड मुझे पता नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है अब तक का Uh, जो भी रिव्यू आया है उसके हिसाब से द कट ऑफ शुड बी आई वुड से सिमिलर टू प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस जो है आएगा नहीं आई वुड से अगर आपके 70 प्लस आएंगे तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा नो इश्यूज़ एट ऑल ओके सो दैट्स अ थिंग ओके So that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. If there is any doubt, ask your doubts in the comments section and I'm going to help you out. So thank you and have a very nice day. Bye bye.